Papa John, mein Name ist Mohammed Raza Attari. Ich komme aus Bad Soden, Deutschland, und ich habe folgende Frage. Und zwar sind bei uns die Fastentage sehr lang und können bis zu 19 Stunden dauern. Und meine Frage ist dann, gibt es eine Wasifa oder eine bestimmte Amel, die es uns das Fasten leichter macht, dass wir entspannter fasten können? Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baba Jan, hamare Mohammed Raza Attari, jinka taluq Germany ke shahar Bad Soden se hai, ye puchna chah rahe the ki hamare Germany mein roza taqreeban 19 se 20 ghante ka hota hai. तो कोई ऐसा वजीफ़ा या ऐसा अमल इरशाद फरमा दें कि रोज़े में इतनी भूख और प्यास की इतनी शिद्दत ना हो. जज़ाकअल्लाह खैर. 19-20 घंटे का रोज़ा जर्मनी में. वैसे ही लोग यार नमाज़ों रोज़ों से दूर हैं ना, इम्तिहान है, अल्लाह ताला की मशीयत है. रोज़ा तो रखना चाहिए, चाहे 100 घंटे का दिन हो, फ़र्ज़ है. अब ये कि भूख भी लगेगी, अगर भूख प्यास ना लगे तो फिर रोज़े का लुत्फ क्या है? अब भूख प्यास ही ना लगे तो फिर तो ज़ाहिर है वो सभी रोज़ा रखेंगे, एक दिन का बच्चा भी रख लेगा. भूख प्यास लगना ही तो रोज़े की एक निशानी है ना, कि रोज़े में भूख प्यास अल्लाह की रज़ा के लिए बंदा बर्दाश्त करता है. इमाम गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाह अल-वाली ने इसी के पेश नज़र उस ज़्यादा सोए पड़े रहने से मना फरमाया कि जब बंदा सोया ही पड़ा रहेगा तो इसको रोज़े का पता ही नहीं चलेगा. जैसे वो रात जागते हैं दिन को सोते हैं ना, कि वो रोज़े का पता ना चले. इमाम गज़ाली ने मना फरमाया कि रोज़े का पता चलना चाहिए. रोज़ा रखा है, भूख लगी है, प्यास लगी है, ज़बान सूख कर कांटा हुई जा रही है, पेट में वो बिल्कुल गड़े पड़ गए हैं, भूख लगी है, तो ही रोज़े का पता चलेगा. तो इसलिए सब्र करें, हिम्मत करें, और इंशाअल्लाह ये कि आसानी हो जाएगी. अलबत्ता उमूमन पहला रोज़ा तो लोगों को भारी पड़ता है, उन लोगों को जो बीच में नफली रोज़े नहीं रखते. बीच में नफली रोज़ों की जो तरकीब होती ना जिनकी, उनको पहला रोज़ा इतना भारी नहीं पड़ता होगा. फिर आहिस्ता आहिस्ता तरकीब बन जाती है पहले रोज़े के बाद. पहले रोज़ा इम्तिहान ज़्यादा होता है, बाज़ इसी में दिल छोड़ जाते होंगे, यानी मेरे से रोज़ा बर्दाश्त नहीं होता, ये आज बर्दाश्त नहीं हो कल इंशाल्लाह हो जाएगा, परसों हो जाएगा, आदत पड़ जाएगी. पूरा महीना है ना, तो हिम्मत ना हारें और पूरे महीने के रोज़े रखें. हाँ, सफ़र के लिए है कि वो या समदो 134 बार पढ़े सफ़र में, तो उसमें भूख से अमन मिलता है, लेकिन है वो सफ़र के लिए. रोज़े के लिए कोई मुझे ऐसा विर्द याद नहीं है. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم